बट फॉर एग्जाम्पल आई गेस फ्यूजन इन डाविंची रिजॉल्व जो मोशन ग्राफिक्स का वो है वुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्रीमियर प्रो आई वुड थिंक। जो द विंसी रिजॉल्व है उसका मेन काम क्या था, किसी को पता ही नहीं है शायद। तो आप कैसे प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज करोगे कि एडिटर का काम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, क्लीन हो, सब अपना काम कर रहे हैं? इसका सिंपल सा एक लाइन का मैं आंसर देता हूं आपको कि इसको अगर आपने ऑर्गेनाइज करना है तो हेलो एंड वेलकम बैक टू फोटोसिंथेसिस इंडिविजुअल्स पॉडकास्ट वेयर वी टॉक टू सम ऑफ द बेस्ट वीडियोग्राफर्स एंड फोटोग्राफर्स इन इंडिया एंड डिस्कस द आर्ट एंड द कल्चर ऑफ क्रिएटिव वर्क इन दिस कंट्री। टुडे वी हैव विद अस एंड समवन हुज एक्चुअली स्पेशलाइज्ड अ लॉट इन एडिटिंग फॉर मेनी इयर्स नाउ एंड इन मेनी मेनी डिफरेंट जॉनरास, जसदीप सिंह सिद्धू, हु हैज बेसिकली शॉट पंजाबी म्यूजिक वीडियोज, ही इज डन हिस्टोरिकल नॉन फिक्शन वीडियोज, हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल डॉक्यूमेंट्री टाइप नॉन फिक्शन वीडियोज। हाई जसदीप। हेलो विनीत एंड थैंक यू टू इनवाइटिंग मी हियर। वेलकम वेलकम वेलकम। आपका एडिटिंग में इंटरेस्ट कैसे आया, इससे शुरू करते हैं। ओके सो एडिटिंग का इंटरेस्ट बेसिकली मैंने स्टार्ट किया था एज अ कैमरा मैन, एज अ डीओपी मैंने स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में मैंने काफी वेडिंग्स भी शूट करी, काफी मैंने कॉर्पोरेट इवेंट्स भी शूट किए। देन जब क्लाइंट को डिलीवर करने की बात आती थी तो उसमें प्रॉब्लम ये आती थी कि एडिटिंग मेरे हाथ में नहीं थी। बेसिकली आई एम जस्ट अ कैमरामैन, तो वो क्वालिटी जो क्लाइंट एक्सपेक्ट करता था या मैं एक्सपेक्ट करता था वो चीज़ नहीं मिल पाती थी कहीं ना कहीं। जब बात आती थी क्लाइंट पे डिलीवर करने की प्रोजेक्ट को, तो उस टाइम पे काफ़ी प्रॉब्लम आती थी बिकॉज जो एडिटर्स थे काफ़ी ज़्यादा हाई चार्ज करते थे वो, तो यहाँ पे नॉर्मली नॉर्थ साइड में इतना बजट नहीं मिल पाता था। तो देन आई स्टार्टेड एडिटिंग की, एडिटिंग भी अब खुद ही करनी चाहिए। देन धीरे 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 प्रीमियर प्रो सीखा एंड ऐसे मतलब एडिटिंग की शुरुआत बेसिकली ऐसी हुई है कि क्लाइंट्स को काम नहीं पसंद आता ना मेरे को काम पसंद आता, सो रादर देन किसी और पे डिपेंडेंट रहने की बेटर मैंने ये सोचा कि लेट्स डू इट तो बेसिकली आपने वीडियोग्राफी से शुरू करा एंड वीडियोग्राफी से। जी मैंने बिल्कुल वीडियोग्राफी उसके से। बाद, बट उसके बाद फिर आप क्लाइंट वेडिंग जब कर रहे थे तो फिर आप दोनों कर रहे थे, वीडियोग्राफी एंड द एडिटिंग। जी, मैं आपको बताता हूँ। एट द एज ऑफ 16 मैंने एक कवर सॉन्ग शूट किया दैट्स क्वाइट अमेजिंग। हाँ था, और उस टाइम पे एक्चुअली प्रोडक्शन वगैरह का किसी को एबीसीडी नहीं पता होता था। बट तो यहाँ पे मैंने अपना फर्स्ट वो सॉन्ग शूट किया था कैनन 5D M3 पे, तो तब से बेसिकली मतलब मैंने शुरू किया था। उसके बाद फिर धीरे धीरे वेडिंग्स एंड ऑल, साइड बाय साइड म्यूजिक वीडियोज तो चलती रही हैं काफी। मैंने एज असिस्टेंट भी काम किया है एंड काफी खुद सोलो भी करी है वीडियोस जो यूट्यूब पे हैं। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो आपने बेसिकली थोड़ा वेरिंग्स एंड थोड़ा अपना वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए ही एडिटिंग से। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल व्हेन यू गॉट इनटू इट तब आपको क्या लगा कि एक तो आप बाकियों का काम देख रहे थे क्या मिसिंग है, एंड सेकेंडली आपको बिल्कुल वॉज देर एनीथिंग स्पेसिफिक, यार ये स्टाइल नहीं आ रहा, ये ग्राफिक्स नहीं आ रहे, ये मोशन ग्राफिक्स नहीं आ रहे, क्या आपको लगा कि मैं बेटर कर ओके सकता हूँ, घुसे कैसे स्पेसिफिकली? ओके तो मैं आपको ना एक इसको ना एक एग्जांपल देके मैं आपको बताता हूँ। बहुत सिंपल सी एग्जांपल, इजी रहेगा समझने के लिए। कि एडिटिंग, सबको लगता है कि एडिटिंग हम कहीं से सीख सकते हैं। एडिटिंग कभी भी सीखी नहीं जा सकती। एडिटिंग इज बेसिकली योर माइंड, की आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आप सोच कैसे रहे हैं। जिस टाइम हम शूट कर रहे होते हैं उस टाइम पे, या जिस टाइम एडिटर के पास कोई फुटेज आती है, वो रॉ फुटेज को देख के ही मतलब उसके माइंड के अंदर एक उसका फाइनल रिजल्ट आ जाता है ऑलरेडी। तो इसको सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको बताऊं कि एक मैकेनिक है, हम सिर्फ उसको क्या बता सकते हैं अगर कोई मेरे पास आ रहा है कि मैंने एडिटिंग सीखनी है। तो एडिटिंग में क्या होता है, बेसिकली एक टूल्स होते हैं, तो वो हम एक टूल्स उनको बता सकते हैं। कि जैसे ये स्क्रू ड्राइवर है तो इससे ये स्क्रू टाइट होगा या इससे लूज होगा। अब वो स्क्रू कितना टाइट करना है, कितना लूज करना है, वो डिपेंड करता है कि मैकेनिक कौन है। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि जो एडिटर होता है, एडिटर का मेन, और जहां तक मेरा मानना है कि जिस टाइम कोई भी चीज, कोई भी सॉन्ग, कोई भी डॉक्यूमेंट्री, कोई भी मूवी, कुछ भी शूट हो रहा है,
तो वहां पे एडिटर की प्रेजेंस बहुत जरूरी होती है, जहां तक मेरे को लगता है, क्योंकि जब तक आप उसको रॉ शूट होते हुए नहीं देख सकते, काफी ज्यादा अराउंड एंड अराउंड, अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं आपको, तो 80-90% जो फाइनल आउटपुट होती है वो आपका ऑन सेट ही बन जाती है इफ यू आर प्रेजेंट, डिसाइड हो जाता है, अगर आप मेंटली उनके, डिसाइड हो जाता है कि कैसे फिल्म होगा और हाँ, कैसे, कि क्या चीज हाँ, है। टाइमलाइन कैसे होगा। एंड सेकंड, आपका जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर, डीओपी एंड एडिटर, इन तीनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए, अदरवाइज आपका रिजल्ट बिल्कुल नहीं आ सकता। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, डायरेक्टर अपना काम कर देंगे, डीओपी अपना काम कर देंगे, लेकिन जो मेन आउटपुट निकालनी होती है वो सिर्फ एक एडिटर के हाथ में होती है, और जब तक इन तीनों का अच्छा बॉन्ड नहीं होगा तब तक फाइनल आउटपुट अच्छा आ ही नहीं सकता। तो यार ये हमने भी देखा है काफी शूट सेट्स पे कि द एडिटर इज नॉट देयर, राइट, स्पेशली ऑन बिग सेट्स, स्पेशली इफ इट्स अ बिल्कुल डिफरेंट मल्टी बिल्कुल सिटी। एंड हाँ, ये गैप आना बहुत पॉसिबल है, यानी कम्युनिकेशन गैप होना, कि उस टाइम द एडिटर द डायरेक्टर इज थिंकिंग कि हाँ मैं ये करूंगा ये करूंगा, बिल्कुल वीडियोग्राफर से शायद क्लियरली कम्युनिकेट ना हो, एडिटर के तक वो शायद वो नोट्स ना पहुंचे। ये आपने रिजोल्व कैसे करा? अगर आप खुद खुद कर रहे हो तो ऑब्वियसली देन यू आर ऑब्वियसली जब सेट पे हो तभी साथ बिल्कुल ये। बिल्कुल नहीं, एक्चुअली अब मैंने काफी प्रोजेक्ट्स ऐसे करे हैं जिनमें सिर्फ मैंने एडिटिंग की है, लेकिन उनमें मैं अपना एडिटिंग कॉस्ट में ही मैं अपना ट्रैवल वगैरह सब कुछ मैनेज करता था, कि हाँ मैं उनके सेट पे जाके मैं खुद देखूंगा। बिकॉज क्या होता है कि ऑन सेट जिस टाइम हम शूट कर रहे होते हैं, कुछ एक एक दो गलती डायरेक्टर से भी होती है, डीओपी से भी हो जाती है, सबसे हो जाती है, लेकिन एडिटर के एंड से ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि अब कोई भी गलती निकले। एडिटर को ये मेक श्योर करना पड़ता है कि उसके एंड से कोई गलती ना आगे जाए, बिकॉज फाइनल आउटपुट वहां से निकल रहा है। तो डायरेक्टर का प्रेजेंस जहां तक मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरी है, और मैंने काफी प्रोजेक्ट्स ऐसे करे हैं, काफी तो मैंने ऐसे फ्री प्रोजेक्ट्स भी करे हैं कि मैं खुद सेट पे गया हूँ, सिर्फ मैंने वहां पे समझा एंड देन आई एडिट। तो नहीं, तो बेसिकली यू वर ओनली देयर एज एडिटर, बट आप सेट पे फिर भी थे एंड हाँ यू जी वर बिल्कुल, डिस्कसिंग बट मैं डायरेक्टर के सेट पे साथ कि था, ये बिल्कुल ऐसे ऐसे करना चाहिए। तो बिल्कुल। नाउ आई वांट टू गेट इनटू, एक्चुअली जब आप ये वीडियोस बना रहे थे व्हेन यू वर जी देयर ओनली एज एडिटर, सो एक तो जब आप खुद वीडियो बना रहे हो तो आप या डायरेक्टर हो, राइट, जी बट बिल्कुल। एक तो व्हाट इज द डिफरेंस एक्चुअली देन फॉर समवन यंग एंड ट्राइंग टू गेट इनटू दिस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन then the creative director, the DOP, the director of photography, and the editor. क्या सबका रोल क्या है in the process? ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन यू कि जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर का रोल क्या होता है। डायरेक्टर इज लाइक, आप उनको बोल सकते हैं कैप्टन ऑफ द शिप, जिन्होंने सारा कुछ मैनेज करना है, स्टोरी लाइन रहेगा सारा कुछ, उन्होंने ऑन सेट कैसा है, किस एंगल से हमने शूट करना है, लोकेशन क्या रहेगी, उसका वेदर क्या रहेगा, वो सारा जो भी है वो रहता है अपना डायरेक्टर का, कि डायरेक्टर का ये है सब। अगर बात करें डीओपी की, तो डीओपी में बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, कि आपने कौन सा फ्रेम लेना है और लाइटिंग कौन सी आपने यूज करनी है। अब जैसे प्रोडक्शन प्रोडक्शन पूरा आता है, प्रोडक्शन में डे लाइट भी है, नाइट लाइट भी है, तो अब उसमें वो डीओपी के ऊपर डिपेंड करता है कहाँ पे उसने पार यूज करनी है, कहाँ डिनो यूज करनी है, कहाँ किनो है, कहाँ पे स्काई है, कहाँ पे बेबी लाइट यूज करनी है, तो बेसिकली क्या टेम्परेचर रहेगा कलर का, तो वो सारा डीओपी का काम रहता है। एंड एडिटर ने सारी चीजों को कंबाइन करके एक अच्छा फाइनल आउटपुट जो है वो देना होता इंटरेस्टिंग। तो ये जो कंबाइन करना है, तो ओके, तो जब आप है। सिर्फ एडिटर थे तो, जी बट आपने बोला आप साइट पे भी थे, यू वर डिस्कसिंग एग्जैक्टली, आपका जी रोल जी जी बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल क्या था? बिकॉज हम जब पहले बात कर रहे थे आपने ये भी बोला था कि थोड़ा एक्सपैंड हो जाता है, इट्स नॉट जस्ट प्रीमियर प्रो या डाविंची रिजॉल्व में मतलब रशेस आ गए एंड मुझे अब स्टोरी बनानी है एंड मुझे काफी हाँ जी हाँ जी वो एक्सपैंड हो जाता है। एक्चुअली एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है आजकल ना, जितने भी एडिटर्स हैं जिनसे मतलब मैं भी मिला हूँ, जिनके साथ मैंने काम भी किया, तो उनका क्या है, वो ना काफी ज्यादा बॉन्ड रहते हैं। अब जैसे कोई एडिटर प्रीमियर प्रो पे अगर एडिटिंग कर रहा है, तो अगर मैं उनको बोलूंगा ना कि FCP पे एडिटिंग करो, तो देवर लाइक कि यार ये हमने तो कभी किया ही नहीं है, हमें पता ही नहीं, हमें चलाने नहीं आता, या हम इस पे एडिटिंग कर ही नहीं सकते। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एडिटिंग सॉफ्टवेयर इज जस्ट अ टूल्स। अब प्रीमियर प्रो में क्या है कि जैसे आप सी प्रेस करते हैं तो उस पर कट आ जाता है, FCP में उसकी कमांड अलग होगी,
लेकिन काम तो कट तो कट ही करेगा ना. अब जो काम सीजर ने करना है, वो चाहे बड़ी सीजर हो चाहे छोटी सीजर हो, वो कट ही करेगा. लेकिन ये चीज बहुत आजकल, मतलब मैं ये चीज काफी ज्यादा नोटिस करी है. जैसे काफी यंग एडिटर्स भी हैं जो मेरे से इंस्टा पे कनेक्टेड हैं, तो जिस टाइम वो पूछते हैं कि आप कौन से सॉफ्टवेयर पे एडिटिंग करते हो, मैंने कहा ये सॉफ्टवेयर इट डजेंट मैटर, क्योंकि एडिट आप ये पूछो कि आप एडिटिंग कैसे करते बट आई हो. गेस हैबिट की बात है ना, कि मुझे इसके शॉर्टकट्स पता है, इस पे आई एम फास्ट, अगर मैं कोई जाऊंगा बट तो. किसी को किसी भी मतलब एडिटर को मेरे अकॉर्डिंग किसी चीज पे बॉन्ड नहीं होना चाहिए. मतलब यहाँ पे जहां तक मैंने देखे कि वो मतलब इतने ज्यादा शौक हो जाते हैं कि लाइक कि FCP पता नहीं कितनी बड़ी चीज है. फेयर इनफ. लेकिन बट एग्जैक्टली एडिटिंग क्या है? एडिटिंग तो आपके माइंड है, कि आपका क्रिएटिव माइंड है, कि आपने क्या माइंड में सोचा हुआ है. तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो सीजर ने काम करना है वो सीजर ने करना है. बस थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट जरा, हाँ थोड़ा एक जोन बन जाता है. अब जैसे मैं प्रीमियर में ही करता हूँ, मैं खुद प्रीमियर प्रो में एडिटिंग करता हूँ, अब वो मेरा जोन बना हुआ है. दूसरा FCP में थोड़ा सा क्या इशू आता है कि हम इसमें कंट्रोल सी प्रेस करते हैं, उसमें कमांड सी प्रेस करना पड़ता है, तो वो जो स्पीड बनी होती है कहीं ना कहीं वो स्पीड जरूर लैग करती है. ये चीज मैं मानता हूँ. बट फॉर एग्जाम्पल आई गेस फ्यूजन इन डाविंची रिजॉल्व, जो मोशन ग्राफिक्स का है वो है, वुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्रीमियर प्रो आई वुड थिंक. हाँ, वो बेसिकली दविंसी रिजॉल्व भी लोग उसको एडिटिंग के लिए यूज करते हैं. बट जो दविंसी रिजॉल्व है उसका मेन काम क्या था किसी को पता ही नहीं है. कलर ग्रेडिंग शुरू शुरू कलर और ग्रेडिंग, उनका उनका काम ही बेसिकली कलर ग्रेडिंग था. तो जितना भी एडिट होता था वो FCP या प्रीमियर प्रो पे ही एडिट होता था पहले, उसके बाद कलर ग्रेडिंग के लिए फाइनल उस पे जाते थे. हाँ, अब धीरे धीरे एडवांस हो रही हैं चीजें, तो देवेंसी ने भी किया है शुरू. बट जहां तक मतलब इतना मतलब दिक्कत नहीं होती, आप एक बार गो थ्रू हो जाए तो इजी है, मतलब इतना मुश्किल नहीं तो होता. हाउ वुड यू डिफाइन देन द दिस एक्सपेंडेड रोल ऑफ द एडिटर? क्या एग्जैक्टली आपको करना पड़ा, इवन व्हेन यू वर जस्ट एडिटिंग ऑन अ वीडियो, क्या क्या रोल था आपका बियॉन्ड जस्ट टाइमलाइन बिल्डिंग इन FCP और प्रीमियर प्रो? आपका रोल क्या? देखिए स्टार्टिंग में तो मतलब मैंने खुद के प्रोजेक्ट्स ही, मतलब खुद की वीडियोस वगैरह ही मैंने एडिट करनी शुरू कर दी. लाइक उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आई वेंट टू सिंगापुर, तो वहां पे मैंने अलंका स्टूडियोज को ज्वाइन किया. तो वहां पे सबसे बड़ी जो मतलब मेरे को दिक्कत दिखी थी, वहां पे एक कपल था, उनकी वेडिंग हुई थी 2016 में, एंड आई वॉज देयर इन सिंगापुर इन 2021, आई थिंक सो 2021, या आई वॉज देयर. तो उनको सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही थी कि वो पंजाबी कपल थे, और सिंगापुर में मोस्टली जो पॉपुलेशन है दैट इज तमिल एंड चाइनीज. तो उनकी वेडिंग 2018 से एडिट अच्छा हो रहा है, एडिटर एडिट अच्छा कर रहा है, नो डाउट. मैंने उनका खुद फुटेज वगैरह पूरा देखा, एडिट अच्छा था, बट कहाँ पे कौन सा सॉन्ग लगाना है उनको यही नहीं पता था. उनके वहां फेरे हो रहे हैं मतलब वो लावा ले रहे थे, वो तो एडिटर ने पीछे सॉन्ग लगा रखा था अपना दिन शगन अदा चढ़े आओ सखी होने. पहले आना तो चाहिए. तो ये थोड़ा सा मतलब वहां पे बेसिकली गुरबानी लग सकती थी, क्योंकि वो फेरे ले रहे हैं ना, उनका कंबाइन वो चल रहा था, फुल वीडियो थी. तो मतलब कहीं कहीं पे मतलब बहुत ज्यादा वो था, मेन ऑडियो की बहुत दिक्कत थी. अब ये चीज के शायद एडिटर्स के लिए नहीं हो, बट मतलब मैंने ये चीज देखी थी कि ऑडियो भी आपको बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है. अदरवाइज यहाँ पे इंडिया में क्या होता है कि हमें ऑडियो मिल जाता है. अब जो म्यूजिक वीडियोस होती हैं, हमारे पास ऑडियो आ गया, हमने ऑडियो के अकॉर्डिंग उसको एडिट करना है. बट जब ऐसी सिचुएशन आती है तो वहां पे फिर बहुत पजल हो जाते हैं. अब मेरे पास वहां पे कुछ साउथ इंडियन वेडिंग्स भी आई, कुछ कॉर्पोरेट इवेंट्स भी आए, नहीं समझ में आते थे. तो ये बहुत बड़ी दिक्कत एक्चुअली हाँ, म्यूजिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो काफी एक्टर्स, हमने भी बात करी है, वो इतना स्ट्रांगली कंसिडर नहीं करते, बट म्यूजिक तो सब कुछ सेट करता है. तो पूरा है. मूड पूरा ऑफ मूड इट बिल्कुल म्यूजिक से आता है. म्यूजिक से. दूसरा, अगर आप कोई मूवी मूवी एडिट कर रहे हैं, या आप कोई शॉर्ट फिल्म या कोई डॉक्यूमेंट्री एडिट कर रहे हैं, उसमें SFX बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है. आपके साउंड इफेक्ट्स क्या हैं, वो ही आपके मूड को डिफाइन करवाते साउंड हैं उस चीज के अंदर. इफेक्ट्स, यस.
हमारा क्योंकि कॉर्पोरेट फिल्म मेकिंग है तो हम साउंड इफेक्ट्स पे पहुंचे ही नहीं अभी तक, इतना नहीं साउंड, बिल्कुल साउंड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा, मतलब अगर मैं आपको बोलूं कब, अगर आप, मैं वैसे आपको सर्च करना कभी आपकी विदाउट SFX कैसा लगता है और विद SFX कैसा लगता है, मतलब उसके अंदर जो चीज लाइक कि आपको ऐसा लगेगा कि डंप हो चुका है कि शायद ये फाइनल आउटपुट अच्छा नहीं है, लेकिन जैसे उसमें SFX जाएगा वो किसी और लेवल पे पहुंच जाएगी चीज, ये मैंने खुद नोटिस करी है चीज। एक्चुअली SFX पे मैं भी बहुत लेट आया था, बिकॉज SFX को देखना और उसको यूज करना बहुत डिफिकल्ट है, किस मूड में कौन से जोन में कैसा SFX यूज करना है वो है डिफिकल्ट है। सो साउंड इंजीनियरिंग देन बिकम्स अ बिग पार्ट एंड ये, बट आर देयर स्पेशलाइज्ड पीपल या एडिटर का ही रोल होता है ये टिपिकली? नहीं सर, देखिए अब जैसे जो मूवीज वगैरह हैं, अब जो बड़े लेवल की मूवीज हैं जो होगा डॉक्यूमेंट्री, हाँ देखो उनमें तो ऑब्वियस अलग से साउंड इंजीनियर होंगे, उसमें म्यूजिक प्रोड्यूसर्स होंगे, तो वो सब देखते हैं। बट जहाँ पे बात आती है नॉर्मल शॉर्ट फिल्म्स की, तो वहाँ पे तो एडिटर को ही मैनेज करना पड़ता है, मतलब एडिटर को सारा कुछ देखना पड़ता है, उनको साउंड भी देखना पड़ता है, उनके कैमरे का, उनको फुटेज भी देखना पड़ता है कि वो रॉ में एडिट करके लेके आ रहे हैं। अब कैमरा के अंदर भी काफी सारे फॉर्मेट्स होते हैं, रॉ भी है, नॉर्मल भी है, उसके बाद काफी विविड एंड ऑल, अब काफी तो ऑलरेडी कलर्स के आ जाते हैं ऑप्शंस कैमरा में, तो वो भी देखना पड़ता है कि SLOG पे शूट हो रहा है, SLOG 1 है, SLOG 2 है, उन चीज का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि फिर उसके अकॉर्डिंग आगे कलर ग्रेडिंग देखना एडिटर को। तो ये भी होता है कि अच्छा वीडियो शूट हो गया अब आप एडिट कर दो, या और द एडिटर इज लाइक यू गेट इन्वॉल्व एट द स्टार्ट, यू टॉक टू द वीडियोग्राफर इस तरह शूट करो? मैं आपको बताऊं कि लाइक इट डिपेंड्स ऑन बजट, सारा गेम बजट का है। अब यहाँ पे मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे से भी एडिट करे हैं कि मतलब वहां पे डायरेक्टर आए हुए हैं और DOP आए हुए हैं एंड आई एम एडिटर देयर, तो सेट पे ना एडिटर ना डायरेक्टर को कुछ समझ में आ रहा है ना DOP को कुछ समझ में आ रहा है, डायरेक्टर कुछ बोल रहा है DOP कुछ कर रहा है, और वहां पे फिर कैमरा ही मैंने खुद ऑपरेट किया। अच्छा हाँ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि आजकल क्या है कि किसी का भी, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि मैंने काफी प्रोजेक्ट्स ऐसे से कर रखे हैं जिसमें मेरा नाम नहीं, उसमें किसी और का नाम कि ज्यादा सीनियर पर्सन का नाम आ गया बट है। काम आपने लगा। ज्यादा सीनियर नहीं, उनमें मतलब ऐसा नाम डाल देते हैं वो जिनको ABCD भी नहीं पता होता, उनको के आगे उनको प्रोजेक्ट्स मिल जाए। लाइक कि सपोज जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे को एडिटिंग आती ही नहीं है, और मैं जो फ्रीलांस वेबसाइट्स होती हैं उन पे किसी पे अकाउंट बना लेता हूँ, किसी किसी का फुटेज वगैरह एडिटेड वीडियोस मैं उसके ऊपर अपलोड करता हूँ, मेरे पास काम आया, मैंने वहां से पैसा लिया और आगे मैंने काम दिया एडिटर को हायर किया, तो ये बहुत चलता है। अब इसमें क्या है, बजट नहीं मिल पाता है, या तो उसमें क्या होगा कि अगर तो अच्छा आउटपुट निकल गया फिर वो मेरे को एक अच्छा अमाउंट पे करेंगे, बोलेंगे कि इसमें ये नाम जाएगा, और दूसरा ये है कि जैसे वेडिंग्स का ही आप ले लो कि वेडिंग्स का बजट यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में, अभी आई मीन चंडीगढ़, यहाँ पे कुछ स्टूडियोज ऐसे भी हैं जो 30,000 में भी आपके पूरा वेडिंग कवर कर रहे हैं आज के टाइम पे, 30,000 के अंदर कंप्लीट आपका जितने भी फंक्शंस, 3 4 5 फंक्शंस होते हैं सारे के सारे विद रिसेप्शन एंड ऑल, कई जने तो ऐसा भी है कि जिसमें प्री वेडिंग भी वो शूट करके दे रहे हैं इन 30,000 इन 30,000, इस तो नाउ दैट एक्चुअली जस्ट उसमें ब्रेक डाउन द एलिमेंट्स इवन फॉर एन एडिटर राइट एंड स्पेशली फॉर अ वेडिंग। आई नो इट्स अ कंप्लीटली सेपरेट डिस्कशन ही हो रहता है बट फिर भी बिकॉज़ एक तो होता है एडिटर का टाइम। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जितना बजट कम हो जाता है ना किसी भी चीज का, उतना ज्यादा एडिटर के ऊपर लोड बढ़ता है ओवरऑल प्रोजेक्ट में अगर बजट होता है ओवरऑल प्रोजेक्ट तो में, एडिटर पे लोड बढ़ता रहता है टू मेक इट लुक गुड बिकॉज हाँ दैट मेक सेंस कि शूट पे ज्यादा कुछ नहीं बिकॉज वहां पे अच्छी लाइटिंग यूज नहीं पाएगा। होगी, अच्छा DOP नहीं होगा, तो वो लाइटिंग कलर ग्रेडिंग में उतना एडिटर का और टाइम जाएगा, उसको उतना समझने में और टाइम जाएगा, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब जितना अच्छा बजट होगा तो उसमें, अब क्रिएटिव, अगर अच्छा बजट का कोई म्यूजिक वीडियो भी शूट हो रहा है तो उसमें प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, DOP भी अच्छा होगा, क्रिएटिव डायरेक्टर होगा, आर्ट डायरेक्टर होगा, डायरेक्टर होगा, असिस्टेंट डायरेक्टर होगा, तो
एडिटर के लिए भी काफी इजी हो जाता है। और हमारे पास सबसे बड़ी जो मेजर प्रॉब्लम मैंने देखी है कि जो लो बजट प्रोजेक्ट्स होते हैं वो हमें ऐसे ही एज इट इज मतलब फुटेज ला के दे देते हैं कि तुम उसको देखो। जो एक अच्छा बजट का म्यूजिक वीडियो होगा या कोई भी प्रोजेक्ट होगा वो एक सिस्टमेटिक वे में उन्होंने हमें दे रखा होता है कि पहला ये शॉट है, देन ये है, देन ये है, देन ये, वो सिस्टमेटिकली सारा कुछ वो मैनेज करके देते हैं, तो उससे एडिटर का मतलब लोड बहुत कम होता है। क्योंकि हमने भी देखा है एक्चुअली कि लाइक कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स आल्सो एड फिल्म्स वगैरह, अगर बड़ा बजट है, इफ इट्स लाइक अ 15-20 लाख प्लस प्रोजेक्ट, यस सब कुछ द पर्सन फॉर एवरीथिंग, सब सबको सिस्टम है, बट छोटा प्रोजेक्ट है 2 लाख 3 लाख वाला क्विक, देन द डॉक्यूमेंटेशन इतना स्ट्रांग नहीं है, प्रोसेस फॉलो नहीं हो रहे, कौन क्या कर रहा है, थोड़ा कंफ्यूजन है, व्हिच इज एक्चुअली व्हाट वी आर ट्राइंग टू चेंज। सो या बट हां आई गेस अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अभी लास्ट संडे अभी जो रिसेंटली अभी संडे संडे था आई थिंक सो अभी जो ऑफ निकला था मेरा, तो यहां पे एक आर्टिस्ट है वो रैप करते हैं, तो उनका काफी अच्छा मतलब मेरे को, मैंने उनका म्यूजिक सुना, मेरे को काफी अच्छा लगा। अब उनके पास बजट है ही नहीं, वो बेसिकली बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, तो लड़का उसके पास है ही नहीं, बजट ही है नहीं बिल्कुल भी। तो मैंने आईफोन 13 से ही सारा शूट कर दिया, अभी वो मेरे पास टाइमलाइन पे, इवन कि वो मैंने खुद शूट किया हुआ है, वो मेरे लिए हेडेक बना हुआ है कि मैं फुटेज को कैसे अरेंज करूं। बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम जाएगा बिकॉज उसमें नहीं है, बस वो उस टाइम पे हम शूट करते गए करते गए करते गए, टाइम बॉन्ड टाइम की भी बहुत ज्यादा दिक्कत थी, तो बस जो भी है आपको तो पता फोन के अंदर कैसा मतलब मैनेज, वो कोई फाइल नंबर नहीं आप चेंज कर सकते साथ साथ आईफोन में, बस शूट 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 किया बस। अब मेरे लिए वो बहुत हेडेक हो रहा है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। हाँ ये बहुत एक्चुअली सही मेट्रिक बन गया है कि बजट, प्रोजेक्ट का बजट कम है तो एडिटर का काम ज्यादा, एडिटर का काम ज्यादा है, एडिटर का क्या सब सबका काम ही बढ़ जाता है ऑलमोस्ट। अब लाइक अगर मैं डीओपी की बात करूं, अब बजट अगर नहीं है जहां पे उसको पार चाहिए, लाइट चाहिए, प्रोडक्शन चाहिए उसको, उसके पास प्रोडक्शन ही नहीं है तो वो कैसे मैनेज करेगा लाइट को। सबका काम ही ऑलमोस्ट बढ़ जाता है। अब सपोज करो कि आजकल तो जैसे गिम्बल आ गया, गिम्बल है, रॉनिन वगैरह काफी चीजें आ गई हैं, स्टडी कैम आ गया, उसने बहुत इजी कर दिया। अदरवाइज पहले क्या होता था, मैंने तो अपने टाइम पे देखा हुआ है कि हमें एक ट्रैक पे शॉट लेना है, हमें फ्रंट शॉट लेना, आगे पीछे करना है हमने म्यूजिक वीडियो, तो उसके लिए हमें ट्रैक ट्रॉली चाहिए, वो बजट ही नहीं है तो वो ट्रैक ट्रॉली किधर से आएगा। या अग्री, तो उसमें डायरेक्टर का काम भी बड़ा, डीओपी का काम भी बड़ा, एडिटर का तो चलो लास्ट में सबसे ज्यादा बढ़ता ही बढ़ता है, एडिटर के पास तो कोई चांस ही नहीं है। तो इफ एन एडिटर वांट्स टू बी मोर ऑर्गेनाइज्ड, लेट्स से चॉइस है, बजट ये नहीं है बट ये भी नहीं है, राइट, यू आर हेल्पिंग आउट द, लेट्स से द डीओपी इज अ लिटिल इनऑर्गेनाइज्ड, ऐसे हाइपोथेटिकल सिनेरियो होता है, एंड डायरेक्टर वी यू नो इनएक्सपीरियंस, तो आप कैसे प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज करोगे कि एडिटर का काम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, क्लीन हो, सब अपना काम कर रहे हैं। इसका सिंपल सा एक लाइन का मैं आंसर देता हूँ आपको कि इसको अगर आपने ऑर्गेनाइज करना है तो आपको सेट पे होना पड़ेगा। अगर आप सेट पे हैं तो आपका 80% जो आपका वर्कलोड है वो कम हो जाता है। बट सेट पे फिर आप क्या करते हैं सेट पे? सो एक तो होता है कि अच्छा क्रिएटिव डायरेक्टर को उसका काम भी नहीं पता तो मैं उसको हेल्प कर रहा हूँ उसके काम में, बट एज एडिटर let's say now let's see, अच्छा you are on set, there is a great editor and DOP who know what they're doing, what would you tell them ki aise organize karo taki mera kaam clean rahe, main sirf apna kaam nahi vinit uske andar sabse pehla kaam to ye hai ki dekhiye jaise main set pe hu to mere paas apna system rehta hai, mere paas apna mac rehta hai, to wo jo bhi shoot kar rahe hain jaise hi card full hua usko main saath ke saath organize kar lunga, agar kam budget ka project hai unke paas nahi hai koi us cheez ko manage karne ke liye, तो सबसे बड़ी दिक्कत तो फुटेज की होती है। अब एक सॉन्ग होता है उसकी काफी ज्यादा फाइल्स होती हैं तो नहीं मैनेज हो पाती हैं। अब अगर मैं सेट पे हूँ तो सेट पे साथ के साथ उस चीज को मैनेज कर सकता हूँ, या मैं उनको डीओपी को बता सकता हूँ कि कौन सा शॉट आपने जो शॉट फाइनल किया उसको एक साइड पे रखो, जो शॉट नहीं फाइनल है उसको आप साइड कर दो। अब कई क्या करते हैं, जो शॉट कट 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 भी हो रहा है वो भी आपको मेमोरी कार्ड उसमें कार्ड में मिलते हैं, ड्राइव में मिल जाता है, लेकिन वो शॉट डायरेक्टर ने कट कट बोला होता है उसमें, तो उस चीज का शॉट का वो रख के कोई मतलब नहीं है।
और वो सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करता है। देन दूसरी चीज ये है कि अब डीओपी को नहीं पता कि एडिटर किस लेवल पे एडिट कर सकता है। अब जैसे मैं आपको एक बताता हूँ, छोटी सी, अभी एक सॉन्ग आया था मेरे पास, तो डीओपी है, अच्छा है, उसको नॉलेज है, बट अब उसमें सिचुएशन क्या थी कि वो सारा ना ब्लैक एंड गोल्डन थीम पे सॉन्ग है, तो उसमें डायरेक्टर ने क्या सोचा हुआ था कि नीचे पूरा गोल्डन फर्श होगा, पूरा गोल्डन लाइक गोल्ड, उसके ऊपर एक थार खड़ी होगी, एंड थार के ऊपर जो आर्टिस्ट है वो लेटा हुआ होगा, एंड ऊपर से राउंड करता हुआ ड्रोन शॉट आएगा। तो अब इतना बड़ा आप गोल्डन, या तो आप क्रिएटिव आर्ट डायरेक्टर को बुला के पूरा पेंट करवाओ यही लग रहा है, गोल्डन, दिस साउंड्स लाइक अ मेजर एक्सरसाइज। है ना। अब उनके पास बजट है नहीं था, तो मैंने उनको एक सिंपल सा आइडिया दिया जो कि सबसे सस्ता था। एंड वो आइडिया क्या था कि जैसे हम कैटरिंग वाले होते हैं, जो जो टेंट वगैरह लगाते हैं वेडिंग्स में, तो आपने देखा वो ग्रीन कारपेट नीचे बिछाते हैं। तो मैंने बोला एक खुला ग्राउंड लो, ग्राउंड में ग्रीन कारपेट बिछाओ, रेंट पे वो 200-300 रुपए लेंगे सिर्फ रेंट एक शॉट के। वो ग्रीन कारपेट बिछाओ, उसके ऊपर थार खड़ा करो, उसके ऊपर से आप शॉट लो, नीचे से मैं उसको गोल्डन कर दूंगा। अमेजिंग। हाँ, ग्रीन तो स्क्रीन बन गया बेसिकली, एक तरह से क्रोमा बन। ग्रीन स्क्रीन बन गया बेसिकली हाँ वो। तो यहाँ ऐसे जो कम बजट है उसमें आउटपुट भी अच्छी आ गई, बट अगर मैं वहां पे एज एडिटर ना प्रेजेंट होता तो डीओपी को नहीं पता था मैं किस लेवल की एंड एडिटिंग आपने कर ये सकता भी हूँ, बोला और होगा शायद कि डीओपी के मेक माइंड में। श्योर कि किसी ने कुछ ग्रीन नहीं पहना हुआ, कुछ भी, कोई एक भी जरा सा बिल्कुल भी ग्रीन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, मतलब बहुत चीजें ऑर्गेनाइज हो जाती हैं ऑन ऑन द स्पॉट, बहुत चीजें ऐसी होती हैं। अब कई बार मैं आपको बताता हूँ, एक हमने सॉन्ग शूट किया था, वो हमने तीर्थन वैली कुल्लू मनाली में शूट किया था। एंड वहां पे क्या हुआ, हम सब तो पहले पहुंच गए थे, जितने भी आर्टिस्ट थे, डायरेक्टर एंड ऑल, सब पहुंच गए थे वहां पे। बट नेक्स्ट डे जिस टाइम कैमरा आना था एंड प्रोडक्शन आना था, क्योंकि कैमरा एंड प्रोडक्शन नेक्स्ट डे आना था, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो रेंटेड होता है सारा, अगर हम साथ में लेके जाएंगे तो उसका ऑलरेडी एक शिफ्ट पड़ जाएगा, तो बजट से बाहर चला जाता है। तो हमने उनको 3 बजे का मॉर्निंग कॉल टाइम दिया था कि आप सुबह 3 बजे आ जाइए, तो उसमें हमने एक टाइम लैप्स भी निकालना था सनराइज का। बट ड्यू टू वेदर कंडीशन सुबह लैंडस्लाइड हो गया, एंड प्रोडक्शन कैमरा सबकी कार पीछे स्टक, एंड कैमरा एंड प्रोडक्शन हमारे पास पहुंचे दोपहर सुबह 11 बजे। अब जो हमने नाइट के शॉट करने थे, जो अंधेरे में हमने शूट करना था, वो नहीं हो पाया। तो उसमें फिर डीओपी और एडिटर का ही काम था, पूरा ब्लैक लगाया, जितने भी ब्लैक कर्टन्स थे उनको बोला कि सारा का सारा ब्लैक करो बाहर से, और अंदर से आर्टिफिशियल हमने लाइट वगैरह यूज करके, मतलब हमने दिन के, मतलब दोपहर के 12-1 बजे हमने रात का शूट किया, सारा एक्सपीरियंस हो जाता है अगर समझ। सारा एक्सपीरियंस। बिल्कुल। एक्चुअली ये जो जो लो बजट प्रोजेक्ट्स हैं, ये आपको बहुत कुछ सिखा देते हैं। मैंने मतलब इनसे, लो बजट प्रोजेक्ट से, ये जहां तक मेरे को लगता है, अगर एक कोई एडिटर है जिसने स्टार्टिंग से अच्छे प्रोजेक्ट्स ही करे हैं, लाइक स्टार्टिंग से 20 लाख 30 लाख के आसपास ही प्रोजेक्ट्स करे हैं, तो अगर उनको हम जैसे जो हमें प्रोजेक्ट्स मिलता है, अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट दे दिया तो वो स्टक होंगे, फॉर श्योर वो स्टक होंगे। बट लो बजट प्रोजेक्ट से आपको खेलना आ जाता है, मतलब आप कि अगर आपके पास बजट नहीं भी है तो भी आप वो काम कर सकते हो, अगर बजट है तो भी कर सकते हो, बस डिफरेंस थोड़ा क्वालिटी का आ जाता है। अब अगर जैसे मैंने आपको बताया कि अगर गोल्डन रियल पेंट हो रखा हो, या नीचे प्रॉपर वो टाइल्स हो, गोल्डन शाइनी टाइल्स हो, तो उसका इफेक्ट कुछ और आएगा, ग्रीन स्क्रीन में वो उसका इफेक्ट वो नहीं आ हाँ, वो पाएगा। रिफ्लेक्शन प्रॉपर लाइटिंग से इम्प्रूव होता है। यस यस अग्रीड। एंड अब आप कुछ और ही कर रहे हैं। अब आप कर रहे हैं नॉन फिक्शन टाइप, हिस्टोरिकल टाइप, जी, डॉक्यूमेंट्री। अभी हमारी एक सीरीज चल रही है, द चैनल नेम इज सिविल स्टैप हिमाचल। तो उसपे एक सीरीज शुरू करी थी हमने हिमाचल की कहानी के नाम से, तो उसमें हमने हिमाचल के 12 डिस्ट्रिक्ट्स को एक्सप्लेन किया है कि उनकी क्या हिस्ट्री है, क्या ज्योग्राफी है, उनकी इकोनॉमी एंड पॉलिटी, वो सब एक्सप्लेन किया है। दैट्स इंटरेस्टिंग। एंड ये तो काफी मेजर स्विच हो गया।
बस अब थोड़ा सा फील्ड में से हट के अब प्रॉपर एडिटिंग पे आ गया है। एंड तो एडिटिंग में भी ना थोड़ी धीरे धीरे, मतलब टाइम टू टाइम, जहां तक मेरे को लगता है कि वेरिएशन आती रहनी चाहिए, क्योंकि फिर एक टाइम पे ऐसा आएगा कि आप उस चीज में परफेक्ट हो जाओगे। अगर मैं वेडिंग्स ही करता रहा तो मैं एक वेडिंग्स में तो परफेक्ट हो जाऊंगा, बट अगर मेरे को बीच में कोई म्यूजिक वीडियो करना पड़ा तो फिर सब हिल जाता है, पूरा ग्रोथ ऐसे ही आती है। ग्रोथ भी ऐसी आएगी। अब मैं डिपेंड नहीं रह सकता कि हाँ मेरे पास म्यूजिक वीडियो ही आएगी, या मेरे पास वेडिंग ही आएगी, या मेरे पास कोई कॉरपोरेट इवेंट ही आएगा, या कोई एड ही आएगी मेरे पास। तो जहां तक मेरे को लगता है कि एडिटर को हर तरह से, मतलब ओपन रहना चाहिए कि हाँ जो भी आ रहा है हम कर सकते हैं उस चीज को एडिट। दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। तो ये एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है नाउ? इज योर लाइफ मोर ऑर्गेनाइज्ड अगेन? आर यू नाउ प्रॉपरली एन एडिटर है? आपको फुटेज आ रहा है एंड आप एडिट कर रहे हाँ हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। अभी तो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, लाइक पहले पहले भी तो ठीक था, लाइक कि पैसा भी मिल रहा था, बट फील्ड का काम बहुत था कि मैं सेट पे भी जा रहा हूँ, शूट भी कर रहे हैं, सब कुछ है, तो वो चीज़। और दूसरा, प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं वो भी बहुत, क्योंकि यहाँ पे कई बार अगर आपके पास प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, मेरे पास एक टाइम ऐसा था कि आई थिंक सो 6 to 7 months मैं डेली सेट पे होता था, लेकिन उसके बाद 1-1.5 साल तक मैं घर पे था। अब इसमें भी एक रीजन है। एक्चुअली क्या होता है कि वही जैसे मैंने आपको बजट प्रॉब्लम बताई, अब मैंने एक प्रोजेक्ट तो ऐसा किया जिसका बजट काफी अच्छा है, उसको देख के मेरे पास क्लाइंट्स आ रहे हैं। अब क्लाइंट क्या एक्सपेक्ट करता है, कि क्लाइंट क्या हम खुद भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने जो चीज अभी एडिट करी है हम उससे बेटर ही एडिट करके दें आगे, और मतलब एक स्टेप अप ही जाएं। बट अब अच्छे प्रोजेक्ट के बाद कोई लो बजट प्रोजेक्ट आ गया, उसमें वैसे हेल्प फिर नहीं कर सकता। हाँ डाउनफॉल, तो उससे फिर प्रोजेक्ट्स जाने कम हो जाते हैं, तो ये भी काफी बड़ी दिक्कत है। अब तो बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, अब मॉर्निंग जाना होता है, शाम को आना होता है, और वही फिक्स हमें पता है कि एक पैटर्न बना हुआ है हमारा। तो अब बेसिकली हिस्ट्री पे अभी हम काम कर रहे हैं, तो अब थोड़ा सर्चिंग, अच्छा एडिटर के लिए सबसे बड़ी बात रिसर्च बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना आप रिसर्च करोगे, अब मैं ऑफिस में होता था तो मेरा 24/7, मतलब अगर मेरे पास काम नहीं है तो मेरा यूट्यूब भी ओपन रहता था, तो सबको ये लगता था कि मैं मूवीज देख रहा हूँ या मैं सॉन्ग सुन रहा हूँ, बट उनको ये नहीं पता था कि मैं उन्हीं से सीख रहा हूँ। हाँ तो रिसर्च बहुत जरूरी है, बिकॉज इसके लिए भी मैंने काफी रिसर्च किया, देन उसके बाद फिर मैंने इसकी एडिटिंग शुरू करी, क्योंकि इसमें मेरा अराउंड प्रीमियर प्रो में अगर मैं आपकी बात करूं तो 25 to 30 layers पे काम होता है मेरा, जिसको देखना, मतलब देख के कई बार तो मॉर्निंग जाके जैसे आज जितना काम हो गया उतना हो गया, नेक्स्ट डे अगर दोबारा एडिटिंग करनी है तो नेक्स्ट डे जब जाके हम प्रोजेक्ट ओपन करते हैं ना, वो 20, 25, 30 layers देख के ना, वैसे एक बार तो दिल वो हो जाता है कि यार इतना अभी इसमें आके और कैसे करना है। मैंने मैक्स गराज बैंड में आई थिंक मैंने 20 ट्रैक्स करे एंड मेरा अपना बिल्कुल क्या हो रहा है, कहाँ क्या जा रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आता। होता ही यही है बेसिकली एडिटिंग टाइम पे, मतलब बोलना इजी होता है लोगों को, क्लाइंट को जो चीज दिखती है, जो ऑडियंस को चीज दिखती है, वो बहुत एक सिंपल होती है, बट उसके पीछे कितने एफर्ट्स हैं वो या तो डायरेक्टर को पता है, डीओपी को या एडिटर को। अग्रीड अग्रीड अग्रीड। एनी एडवाइस पीपल स्टार्टिंग आउट? लास्ट क्वेश्चन, जो लोग अभी शुरू कर रहे हैं कि हाँ मुझे एडिटिंग ही करनी है, राइट? एक तो होता है अगेन लर्निंग टूल, राइट? बिल्कुल वो बिल्कुल तो है, बट क्रिएटिवली कंट्रीब्यूशन अपना शुरू से वो बढ़ा पाए प्रोजेक्ट में, एंड लेट्स से दे एंड अप इन अ लो बजट प्रोजेक्ट, राइट? जहाँ उनका कॉन्ट्रीब्यूशन वैसे ही ज्यादा एक्सपेक्टेड है, जो उन्हें पता भी ना हो पहले। वॉट बिल्कुल बिल्कुल। एडवाइस वुड यू हैव? एक तो बी ऑन सेट फॉर श्योर। बी ऑन सेट, सेकंड रिसर्च इज अ मस्ट। आप जरूरी नहीं है कि आप जिस सपोज मेरे पास अगर एक पंजाबी सॉन्ग आया कि मैं पंजाबी सॉन्ग्स ही देख रहा हूँ, पंजाबी सॉन्ग में आप एक बॉलीवुड टच भी दे सकते हो, हॉलीवुड टच भी दे सकते हो, तो मेक श्योर आपका रिसर्च अच्छा हो। और दूसरी चीज ये है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, जैसे एडिटर्स जो अभी नए एडिटर्स आ रहे हैं उनके पास क्या है, अगर प्रोजेक्ट आया तो वो एडिट कर रहे हैं, अदरवाइज वो एडिट उनके पास कुछ नहीं है, अपना ही कुछ ऐसा वो करते रहो अपना। हाँ, तो रादर देन आप कोई अच्छे, आजकल पैसे के पीछे बहुत लगे हुए हैं, लाइक कि अगर पैसा मिलेगा तो हम काम करेंगे,
ऐसा नहीं करना चाहिए. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो एक लड़का था, उसके पास बजट नहीं था, तो हमने उसका शूट करके हमने उसका एडिट किया. उससे उसको तो जो बेनिफिट हुआ होगा, बट हमने उससे बहुत चीज सीखी कि अगर आपके पास टाइम है, आपके पास स्किल है, आपके पास इक्विपमेंट्स हैं, देन यू कैन गो इन अ फील्ड स्टार्टिंग में, और आपको सब करना पड़ेगा. बी अ एडिटर, सिर्फ आपको ये नहीं सोचना कि आप एक सिस्टम तक सीमित है. आपको डीओपी की भी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, डायरेक्टर की भी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, क्रिएटिव डायरेक्टर की भी नॉलेज होनी चाहिए. और ये नॉलेज तभी आएगी जब आप फील्ड में जाओगे. स्टार्टिंग का टाइम थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा फॉर श्योर. जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा भी था, स्टार्टिंग में काफी डिफिकल्टीज आई. सेट पे जाते थे, बजट उतना नहीं होता था. जितना बजट होता था उसी में हम जो हमें मतलब एडिटिंग की जो कॉस्ट मिल रही है उसी में हम अपना ट्रैवल भी कर रहे हैं. अब ट्रैवल वो 2 घंटे का, 3 घंटे का भी है, फिर स्टे भी हम उसी में देख रहे हैं. तो स्टार्टिंग में पैसों के पीछे मत भागना, स्टार्टिंग में अपनी स्किल्स को और इम्प्रूव करो. और जो बोलते हैं कि लाइक देख देख के किसी, जरूरी नहीं है कि आपने किसी एडिटर का ही चैनल देखना है. आप रैंडमली कोई भी चैनल उठाओ, कोई कुछ भी आप देखो, कुछ ना कुछ आप उस चीज से जरूर सीख पाओगे. परफेक्ट परफेक्ट. तो मेरा तो बिल्कुल वेरी गुड एडवाइस आई थिंक, एंड वेरी गुड एक्चुअली टॉकिंग टू एन एक्सपीरियंस एडिटर फॉर द फर्स्ट टाइम. अभी तक हम ज्यादा वीडियोग्राफर्स से बात कर रहे थे, मुझे तो बहुत मजा आया. थैंक्स जसदीप, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग. आई नो कोऑर्डिनेट करने में टाइम लग गया, बट थैंक यू फॉर योर टाइम, एंड थैंक्स एवरीवन फॉर स्टेइंग ट्यून्ड. यू कैन ऑफ कोर्स फॉलो अस, यू कैन सी अस ऑन यूट्यूब, यू कैन लिसन ऑन स्पॉटिफाई, पॉकेट कास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, हर जगह है. See you next week. Okay. Thanks, Jasdeep. Bye bye. Okay, bye bye. Bye bye.